कहना चाहिए आप नॉमिनेट हुए? देखिए, वे कमलिया बहुत स्पेशल सॉन्ग है और स्पेशली आफ्टर दैट रियलिटी शो लोगों ने बहुत पसंद किया है उसे, और आई एम रियली हैप्पी कि उस गाने के लिए नॉमिनेट हुई। लुकिंग फॉरवर्ड टू द अवार्ड्स एंड लेट्स सी क्या होता है। जी, मैं एक्चुअली बिग बॉस की ही बात कर रही थी। जब मैंने वे कमलिया बिग बॉस में गाया तो बहुत ज़्यादा पिक किया गाना, एंड मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है इस बार का सीज़न फॉलो करना, बट हाँ थोड़ा टाइम मिलेगा तो आई डेफिनेटली वॉच इट। शायद इसके पहले के सीजन आपने फॉलो की होगी। जी, सीजन का कोई फेवरेट है आपका, जो उसके पहले का सीजन था ये सीजन का कोई फेवरेट? मुझे गौहर बहुत पसंद है, मुझे रुबीना बहुत पसंद है, हिना बहुत पसंद है, और इस साल आई थिंक अब अंकिता लोखंडे गई हैं। शी इज़ ऑलरेडी गेटिंग अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, अ लॉट ऑफ प्यार। या मैंने अभी तक देखा नहीं है, जब मैं देखूंगी तो मैं कमेंट करूंगी। थैंक यू। बहुत सारे फिल्म सॉन्ग्स आ रहे हैं, बट उसके अलावा अभी नॉन फिल्म सॉन्ग्स कर रही हूँ मैं। अभी मेरा एक गाना आया है मेरी जान, जिसमें मैंने कश्मीरी फोक के साथ कोलैबोरेट किया है, तो वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सब लोग, तो मैं अभी कुछ और सूफी गाने निकालने वाली हूँ। थैंक यू जी। गंजा हो गया मैं मुँह से। कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है और मैंने सोचा कि एक साल से मैं मूछों के साथ घूम रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्टाइल चेंज। आपको कैसा लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा? बट ये जाने कितने पहचान कितने नहीं पहचान यार, बहुत मेरी माँ ने मुझे नहीं पहचाना यार। मैं क्या बोलूँ। हाँ नहीं, पर मुझे ना मूछों का बहुत शौक है, और इंशाल्लाह कुछ 2-3 महीने बाद वापस आ जाएगा। यार हमारी शो नॉमिनेटेड है, इनफैक्ट मुझे लगता भी है कि इंशाल्लाह हम लोग ही जीतेंगे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारी पूरी टीम अंदर बैठी हुई है, और इंशाल्लाह ये हमारी पहली शो है और नॉमिनेट हो चुकी है, अगले शो का आप इंतज़ार कीजिए। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि नॉलेज इज पावर, तो अपना एजुकेशन कभी बंद मत करना। जिस पे भी फील्ड आपको आप करना चाहते हैं, उस फील्ड में पढ़ाई कीजिए। जी, थैंक यू। सो आई डोंट हैव मच टू से राइट नाउ, बट वंस आई सी इट सो आई थिंक आई हैव आई थिंक टैलेंट इज एवरीवेयर। आई थिंक टैलेंट इज एवरीवेयर इन विच एवर इंडस्ट्री यू चूज, बी इट मीडिया और बी इट एनी अदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, टैलेंट इज एवरीवेयर। देर आर सम पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड बट वो मीडिया इंडस्ट्री में नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ देयर अदर वर्क्स। सो आई थिंक टैलेंट इज एवरीवेयर। आई एम अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, सो अभी तक एज सच वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है वो वाला पार्ट अपना, बट या ओके मे बी ओके आई विल जस्ट ट्राई अ लाइन और टू। लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ओके guest. I've been invited for this award function and I'm so glad to be a part of this event, and let's wait and watch and see who grabs the awards.
डोंट आस्क बिग बॉस नहीं फॉलो कर रही हूँ आई यूज टू फॉलो बट अभी इतना बिजी स्केड्यूल है यू नो टच वर्ड शूट्स है मीटिंग चलते रहते हैं तो इतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी हाँ अनकम्फर्टेबल क्यों होना है यू शुड अगर आपने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग हो या टी वी एक्टर नहीं कहूँगी मैं एज एन एक्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसको जो अच्छा लगता है वो वही कर रहा है जिसका जो पैशन है वो परस्यू कर रहा है सो आई थिंक अनकम्फर्टेबल होके खुद को थोड़ा सा यू नो डीमोटिवेट करने का मतलब नहीं है जिसमें आप अच्छा वही करो एंड येस ऑल द बेस्ट टू द कंटेस्टेंट्स आउट देयर अभी फ़िलहाल तो अपकमिंग जितने प्रोजेक्ट्स से आई डोंट सी माई सेल्फ इन बिग बॉस ये सीजन में बट येस अगर ऑफर आता है तो सोचना चाहूँगी बट येस नथिंग इन माई प्लान से आई थिंक डन आपको जाना चाहिए I'm here to cheer my team. Absolutely. बहुत बढ़िया यार मतलब हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कुछ वक्त आए एंड वी आर ग्लैड हाई सर यस इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म सर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा क्लियरेंस हो जाए और बहुत सारी पब्लिक चाह रही है कि आपसी एक फुलसी बन जाए सो वी आर वेटिंग एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट ईयर आई एम नॉट श्योर कि कब आएगा सो आई कैन कमिट वो अरुणाब सर करेंगे हमारे बिकॉज बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी वर्किंग ऑन इट बहुत प्यार यार बहुत प्यार एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा पसंद आएगा लोगों को शो especially CAs and commerce background, accounts background के जो लोग थे और my Instagram is flooded by them with their messages and love so humble मैंने कोशिश की है वो writers ने ऑलरेडी करके रखा था तो मैंने बस अपना चेहरा दिया अपनी आवाज़ दी है बाकी राइटिंग में था ऑलरेडी थैंक यू सो मच थैंक यू